लॉन्ग टर्म शेयर्स। और आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। एक हमारे दोस्त और हमारे मेंबर्स हमारे सब्सक्राइबर ने हमें एक गुजारिश की थी, यहाँ पे हमारे हेक के वीडियो में ग्रेफाइट की वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाला था कि गुड इन्फॉर्मेशन, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन डिश टीवी प्लीज़। इनका नाम है थीरू रेड्डी साहब ने। तो थोड़ा समय लगा मुझे क्योंकि मैं भी कोई और काम करता हूँ और उसमें से समय निकाल के फिर मैं अपने दोस्तों को जागरूक करता हूँ कि कौन से अच्छे स्टॉक्स लें कौन से ना लें। मेरी पूरी एनालिसिस रहती है, पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा अधिक बता सकूँ कि कौन बढ़िया स्टॉक है और कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं डिश टीवी इंडिया की। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो, कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। और थिरु साहब बिल्कुल, मैं आपके इस स्टॉक के बारे में काफ़ी फंडामेंटल्स चेक किए क्योंकि सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता, चार्ट और जितने बहुत बारीकी से जो उसमें 20-25-30 चीज़ें होती हैं, अगर वो मैं सारे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए हमने जो है मोटा मोटी आपको एक एनालिसिस बताएंगे जो हमने दिखा सकते हैं। आइए देखते, देखिए आज है 14 मार्च, BSE पे इसका 38 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और 80 पैसे की बढ़त दिखा रहा है। 14 मार्च 2019 समय हो रहा है, 2:15 पे मार्केट अभी खुली हुई है। और यहाँ पे देखिए 52 वीक लो है 19 रुपये और हाई था 82 रुपये, सॉरी। और यहाँ पे सेंटीमीटर बता रहे हैं लोग, 76% कह रहे हैं कि बाई कीजिए ग्रीन पे है और 20% कह रहे हैं सेल कीजिए और 4% कह रहे हैं होल्ड इट। तो ज़रूर हम देखेंगे ऐसा कह रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। मार्केट कैप है 7052 करोड़ की, EPS है 1.83 रुपये का, P है 20 की थोड़ी सी ज़्यादा है और बुक वैल्यू है 36.58 का, जो कि मुझे लगता है अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक है 1.05। इंडस्ट्री PE है 27 की और डिलीवरेबल है 14%, करीब 15%। और यहाँ पे देखिए हम 10 सालों के रिटर्न में अगर हम आते हैं तो 10 सालों में 56% इसने आपको रिटर्न दिया। देखिए सेंसेक्स ने यहाँ पे 331% के आसपास का रिटर्न दिया जो कि ज़बरदस्ती है, और इस स्टॉक ने 56% पॉजिटिव में रिटर्न दिए हैं। और 5 सालों में अगर आपने 1 लाख लगाए हैं तो माइनस होके आपका देखिए 19% यहाँ पे माइनस हो गए हैं, और 3 सालों में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो 52% का माइनस हो गए हैं। 1 ईयर में भी 46% के माइनस है, ईयर टिल डेट में भी 0.13% की माइनस है, 1 मंथ में थोड़ा सा बाउंस बैक किया, 18% की रिटर्न है जो कि अच्छा है। 1 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, जिन्होंने 1 महीने पहले लगाया स्टॉक में तो उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है 19% के आसपास। 1 वीक में फिर से नेगेटिव में है। और DTH केबल कारोबार है इनका, इंडस्ट्री का है, मार्केट कैप देख ही चुके हैं, PE देख चुके हैं और डेट इक्विटी है 0.29 की और रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.16 की, बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। और नेट सेल्स में देखिए यहाँ पे 1517 करोड़ की डाउन साइड है, नेट प्रॉफिट में 161% की अपसाइड है जो कि अच्छी बात है। एवरेज कंपनी है एज पर मैनेजमेंट ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर, सेल्स ग्रोथ है 28.19% की, EBIT ग्रोथ है वो 15.3% की और नेट डेट इक्विटी है 0.53 की यहाँ पे दिखा रहा है। वैल्यूएशन देखिए वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है, 16 रुपये के ऊपर का ये स्टॉक वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है, जिस हिसाब से प्राइस है और इसकी अर्निंग है उस हिसाब से यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है। ROCE है 6.47 का, काफ़ी कम है। ROE तो इसका बहुत ही 0.16% लो दिखा रहा है। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे वेरी पॉजिटिव और स्कोर इज 25, रिटर्न हम देख चुके हैं। देखिए कर्ज़ा हम देख लेते हैं कितनी बोरोविंग है इस स्टॉक में। देखिए मार्च 2017 में थे 581 करोड़, मार्च 2018 में 2248 करोड़ का इन्होंने जो है कर्ज़ा लिया है, ज़बरदस्त तो बढ़ा हुआ है, इनकी बोरोविंग्स जो है बढ़ी हैं। और नेट सेल्स में सितंबर 2018 दिसंबर 2018 में हमने दिखाई चुके हैं कि, और नेट प्रॉफिट में 534% 534 यस
5-64% की बढ़ा था, वेरी नाइस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इन्होंने मेंटेन किया, और दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। तो अब देखिए, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 60.83% की है, लेकिन ये भारी यहाँ पे ड्रॉबैक है इस स्टॉक का कि इनके जितने भी शेयर्स हैं उसका 82% 82.05% गिरवी रखा हुआ है। तो ये बहुत माइनस चीज़ है, और इसको मैं ही क्या, मुझे लगता है कि जितने दोस्त हैं यार, जितने भी स्टॉक में इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वही अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जब होल्डिंग ही गिरवी रखी हुई है तो फिर इसमें पैसे लगा के फ़ायदा क्या, आपने को क्या रिटर्न मिलने वाला? फिर वही रिटर्न जो मैंने आपको दिखाया कि 10 सालों में 56% का रिटर्न है आपका, एफडी भी दे देती है आपको, डबल ट्रिपल कर देती है अगर हम कंपाउंडिंग रिटर्न रेट पर जाएँ तो। ये यहाँ पे एक इसका भयानक नेगेटिव है। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने पैसे लगा रखे, मुझे पता नहीं लगता कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स क्यों इसमें पैसे लगा के रखे। FIIs 126 FIIs का पैसा लगा हुआ है, और इंडिविजुअल, खैर हम जैसे आप जैसे लोग कम ही लोग लगा रखे हैं कि 5% के करीब हैं। और FIIs ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ की है, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे भी इंक्रीज़ की है। तो भैया ये बड़े बड़े एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में ऐसे दिग्गज हों, लोग हैं जो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ स्टॉक में बहुत ज़्यादा नहीं दिखा कि ये आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर बन जाएगा, 38 रुपये 35 पैसे का स्टॉक। तो मैं तो पहले मैं बता चुका हूँ कि आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह मशवरा करें खरीदने या बेचने से पहले, लेकिन मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं तो कभी ना ख़रीदूँ ऐसे स्टॉक। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भैया मैं दूर ही रहता हूँ, क्योंकि कब कौन सी फिल्म, खैर ये तो केबल ऑपरेटर्स हैं सेटेलाइट के थ्रू। तो अभी जो ज़माना चेंज हो रहा है, जियो का जैसे सेटअप बॉक्स आ रहा है, अभी वो आ जाएगा तो इन पे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली, चाहे D2H हो, चाहे डिश टीवी हो, चाहे जो भी हो। तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, जैसे कि अभी आपने मोबाइल सेक्टर में सुना होगा कि वोडाफोन, एयरटेल और बहुत सारी कंपनीज थी, जब से जियो आया तब से सबकी दुकानें बंद होने लगी, सब घाटे पे चली गई, सब पे बहुत कर्जा हो गया। तो उस तरीके से ऐसे सेक्टर्स में, डिश टीवी, मोबाइल कंपनीज में कभी क्या हो जाए, कौन लोग फ्री देने लगे, जियो आ जाएगा तो क्रांति आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ में अपने कोई कोई स्टॉक के शेयर्स खरीदने चाहिए, कोई शेयर लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, और मैं मशवरा भी नहीं देता आपको कि आप ख़रीदिए। तो भाई मैंने, आपने कहा था इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया, कुछ फंडामेंटल्स भी दिखा दिए, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब डिश टीवी इंडिया लिमिटेड इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डायरेक्ट टू होम एंटरटेनमेंट सर्विस। दे प्रोवाइड गेम्स, इंटरेक्टिव टीवी, मूवीज ऑन डिमांड। द कंपनी प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ पैकेजेस एंड कैटर्स टू ऑल सेगमेंट, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ वेरियस कस्टमर्स सच एज डिश मैक्स प्लस, डिश मैक्सी, डिश वेलकम, डिश फ्रीडम प्लस, डिश फ्रीडम सिल्वर पैक, चाइल्ड पैक, डिश मिनी, डिश एल ला कार्टे। दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू पैकेजेस टू अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर सच एज मिनी पैक एंड प्रोवाइड्स एंड अदर सर्विसेज। देखिए, DTS से इनको 62-63% करीब आए है, और इंफ्रा सपोर्ट सर्विसेज में 36% की है, और टेलीपोर्ट के 0-0। इंडस्ट्री में अपनी फर्स्ट है, और डिविडेंड यील्ड इसमें 1.39 का बताया है, और ये एक मिड कैप की कंपनी है। तो मैं बिल्कुल दोस्तों सलाह नहीं दूंगा कि आप इस स्टॉक को बाई करें, फिर भी आप स्वच्छंद हैं अपने चुनाव के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।